टमाटर आमचूर की चटनी। ये आमचूर टमाटर की चटनी बन रही है, बड़ी डिफरेंट। चार अदर टमाटर, यहाँ पे छिलके समेत लिखा हुआ है, नहीं छिलके उतार के लिखा हुआ है, गलती हो गई। चार खाने के चम्मच आमचूर पाउडर, दो तीन अदर हरी मिर्चें, दो खाने के चम्मच सूखा धनिया और दो खाने के चम्मच लहसुन, ये छिला हुआ लहसुन। साथ में 3 कप पानी शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों में उबाल आएगा और धीमी आँच पर पकने छोड़ देंगे। बस 15 मिनट पकेगा। नमक भी आ गया 1 चाय का चम्मच। बस इसके बाद इसको ढक देते हैं, कवर कर देते हैं और आँच इसकी धीमी कर देते हैं। अभी आराम से पकता रहेगा 15 मिनट, इसमें और कोई काम नहीं करना है। चटनी का मिक्स भी हो गया तैयार। मैं इसको थोड़ा सा ज़रा ठंडा होने दूँ। ये पक चुका, हमने थोड़ा सा इसको पकाना था। अब सिंपली इसको ब्लेंडर के जग में हम ब्लेंड करेंगे बारीक और फिर इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि इसको हम खा सकें। ये ब्लेंडर के जग में गया सारा। बस चलिए रेडी हो गई। इसका कलर भी बिल्कुल डिफरेंट है, आपको दिखाते हैं। ये जो कलर अभी ब्राउन सा आ रहा है, ये प्योरली हमारे इसकी वजह से है। ये क्या नाम है, आमचूर पाउडर। बस इसको तैयार कर लिया, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, सर्व करेंगे। टमाटर आमचूर की चटनी। अज्जा, टमाटर 4 अदद, आमचूर 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 2 खाने के चमचे, पानी 3 कप, साबित धनिया 3 खाने के चमचे।